दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फोन है और आप अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे आप कैसे पता करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये ईमेल आईडी है और इस ईमेल आईडी को मैंने बहुत दिन पहले बनाया हुआ था, यानी कि मैंने एक या दो महीने पहले इसे बनाया था, लेकिन अब हमें अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड हमें याद नहीं है कि हमारी ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है। तो आखिरकार ईमेल आईडी का हम पासवर्ड कैसे पता करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम आपको दो तरीके बताएंगे जिसका यूज करके आप अपने ईमेल आईडी का आसानी से पासवर्ड पता कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल आईडी आपके मोबाइल में लॉगिन नहीं है तो फिर भी आप पता कर सकते हैं, अगर आपका लॉगिन है तो फिर भी आप पता कर पाएंगे। सबसे पहला तरीका है कि आपको अपने ईमेल आईडी पर क्लिक करना है अगर आपका लॉगिन है, उसके बाद गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक विकल्प दिखाई देगा सिक्योरिटी का और आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर दिखाई देगा पासवर्ड मैनेजर और आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा और जिस पासवर्ड को आपने यहाँ पर सेव करके रखा होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड सेव नहीं किया है, यानी कि गूगल अकाउंट का, मैंने यहाँ पर फेसबुक का सेव करके रखा है तो हमें फेसबुक का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आपके ईमेल आईडी का सेव होगा गूगल अकाउंट का तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर फिंगरप्रिंट पूछेगा या आपका लॉग पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अपना लॉग डाल देना है और उसके बाद राइट कर देना है। और जैसे आप राइट करेंगे यहाँ पर आपका आईडी दिखाई देगा और ये पासवर्ड है और इस आंख के बटन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से पासवर्ड आप निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अब यहीं पर आपको एक विकल्प और मिलता है। जब आप सबसे ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक विकल्प दिखाई देगा पासवर्ड के नाम से, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए पासवर्ड के नाम से है तो आपको यहाँ पर पासवर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज निकल के आ जाएगा, एक नया पेज, और यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड बनाने का पेज आएगा। अगर आपका ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है तो जैसे आप अपना ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करेंगे तो वहां पर भी आपको यही पेज दिखाई देगा। तो आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, यूज योर फिंगरप्रिंट एंड फेस स्क्रीन लॉक, उसके बाद कंटिन्यू करना है। अगर आपके सामने फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं आता है तो फिर आप यूज ट्राई अनदर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन लॉक का ऑप्शन और इस पर आप कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपका स्क्रीन लॉक पूछा जाएगा और पासवर्ड चेंज करने का पेज आ जाएगा। अगर आपसे ये पेज नहीं आता है तो फिर आप ट्राई अनदर वे पर क्लिक करना और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा ये अकाउंट रिकवरी और कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे अब आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, या मोबाइल नंबर पर कोड नहीं आता है तो आपके सामने डायरेक्ट ये पेज आ जाएगा। अब आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो अपना आप पासवर्ड यहाँ पर बना लीजिए और वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म करना है, जो आप नया बनाएंगे वही यहाँ पर डालना है और चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई लिमिट प्रॉब्लम आ रही है तो आप बहुत बार प्रयास किए होंगे तो यहाँ पर आपको कम से कम 24 या 48 घंटे का इंतजार करना है और उसके बाद आपको यही प्रोसेस करना है आकर और आपके सामने आ जाएगा न्यू पासवर्ड बनाने का विकल्प। तो हम यहाँ पर एक नया पासवर्ड अपना बना लेते हैं। जैसे अपना नया पासवर्ड बना लेंगे उसके बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे उसके बाद चेंज पासवर्ड, और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके ईमेल आईडी का एक नया पासवर्ड बन जाएगा, यानी कि पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर कंटिन्यू योर गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर पासवर्ड एक नया बन चुका है। तो ये तरीका होता है जहां से अपना पासवर्ड आप पता कर सकते हैं। अब आपकी आईडी का पासवर्ड पता हो गया है, अपनी आईडी को आप कहीं पर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दो आसान तरीके बताए हैं।